नीतीश कुमार आए, साथ में तेजस्वी यादव भी आए। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नीतीश की ये बैठक विपक्षी एकजुटता की मुहिम की सबसे अहम तस्वीर है। 2024 के चुनाव के लिए मोदी के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा बनाने की जुगत में कांग्रेस और नीतीश का ये साझा उपक्रम है। ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करेंगे और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे, ये बात तय हो गई है। तो राहुल गांधी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बैठक में दो चीजों पर एक राय है। नंबर एक, ज्यादा से ज्यादा विपक्षी पार्टियों को जोड़ना। नंबर टू, विपक्ष को एकजुट होकर चुनाव लड़ने के लिए राजी करना। इस तरह 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष के चेहरे के लिए ये नई रेस शुरू हो गई, जिसमें एक तरफ राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी हैं, के चंद्रशेखर राव भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, तो शरद पवार भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, 2024 में विपक्ष का सरदार कौन होगा? क्या राहुल गांधी होंगे, क्या नीतीश कुमार होंगे, क्या ममता होंगी या केजरीवाल होंगे? 2024 के चुनाव के लिए विपक्षी एकजुटता में सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो है सभी नेताओं की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं। ऐसे में इन महत्वाकांक्षाओं को कौन परे रख पाएगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है। अभी इस रेस में कौन आगे चल रहा है, किसकी क्या सियासी ताकत और कमजोरी है, पहले इसे समझ लेते हैं। राहुल गांधी की ताकत ये, वो अभी मोदी के खिलाफ सबसे मुखर चेहरा है, साथ में उनकी पार्टी कांग्रेस की अखिल भारतीय मौजूदगी है। लेकिन राहुल दूसरी पार्टियों में स्वीकारे नहीं, कांग्रेस भी अंदरूनी झगड़े में फंसी है। नीतीश कुमार के पास लंबा राजनीतिक अनुभव है, स्वच्छ छवि है, लेकिन भरोसे का संकट है और वो बिहार तक सीमित है। ममता बनर्जी की फाइटर लीडर की छवि है, लगातार 3 बार से सीएम है लेकिन पश्चिम बंगाल तक सीमित है। के चंद्रशेखर राव के पास लंबा राजनीतिक अनुभव है लेकिन तेलंगाना तक सीमित है। शरद पवार के पास सबसे ज्यादा लंबा राजनीतिक अनुभव है, वो एक गठबंधन के सूत्रधार भी रहे लेकिन उनकी पार्टी की दूसरी जगह मौजूदगी नहीं, न ही पवार की मजबूत प्रशासक की छवि है। अरविंद केजरीवाल अपनी साफ छवि का गेम खेलते हैं, उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी है लेकिन लोकसभा में अभी तक उनका एक भी सांसद नहीं। विपक्षी एकजुटता के लिए दिल्ली में जो पहल हुई उसके लिए खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को बुलावा भेजा था, जिसके बाद नीतीश दिल्ली पहुंचे। हालांकि आरजेडी इसका सूत्रधार लालू प्रसाद यादव को बता रही है। नीतीश जब दिल्ली पहुंचे तो सीधे लालू यादव की बेटी मीसा भारती के घर पहुंचे, जहां लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद ही वो राहुल गांधी से मिलने गए। असली बेचैनी है 2024 का, क्योंकि विपक्षी एकजुटता के सबसे बड़े आर्किटेक्ट आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं और 2024 में तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया जा रहा है भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए। असंभव है भाई, असंभव है, किसी कीमत में नहीं, सात जन्म में नहीं। मैं बार कह रहा हूँ, जिनसे बिहार नहीं संभला, जो ढंग से बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, वो देश के प्रधानमंत्री क्या बनेंगे। दिल्ली गए हैं राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने, वैसे भी विपक्षी एकता एक भ्रम मात्र है। लेकिन विपक्षी एकजुटता में अहम किरदार सिर्फ राहुल गांधी, नीतीश कुमार या लालू यादव ही नहीं है, हलचल महाराष्ट्र में भी है, जहां उद्धव ठाकरे और एनसीपी चीफ शरद पवार के बीच मीटिंग हुई। शरद पवार के अदानी पर दिए बयान से विपक्षी एकजुटता खतरे में दिखाई दे रही थी। पवार ने कांग्रेस से अलग स्टैंड लेकर अपने ही साथी को मुश्किल में डाल दिया था।
लेकिन एबीपी नेटवर्क के साथ बातचीत में पवार ने उस बयान से यू टर्न लेकर संकेत दे दिया, विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में वो साथ है। ये भी वजह तो शरद पवार ने कांग्रेस के मन की बात कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि मोदी के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता की राह में वो रोड़ा नहीं। लेकिन सवाल अभी बाकी है, ममता, केसीआर, केजरीवाल क्या कांग्रेस की छतरी के नीचे आने को तैयार होंगे? आम आदमी पार्टी 2024 के चुनाव के लिए अलग तैयारियों में जुट गई है। पार्टी नेता सीधे अब पीएम मोदी को अटैक कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में निकाय चुनाव लड़ने की भी घोषणा पार्टी कर चुकी है। तो साथ ही जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर संगठन तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल क्या करवट लेंगे। और इससे भी बड़ा सवाल तो ये, मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा कौन होगा?